नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बहुत आम है, वो जिससे भी मुलाकात करते हैं वो शख्स सामने आकर एक न एक दिन तारीफ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से जो कनेक्टिविटी है वो शानदार है और इसके उदाहरण कई बार मिल चुके हैं और अब एक और उदाहरण मिला है। और मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से बताया है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से हारे हुए को मोटिवेट करते हैं वो काबिले तारीफ है। दरअसल 19 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने करारी हार मिली। भारत के बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और केवल 240 रन ही बना सके। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कर दिया और 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को 6वीं बार चैंपियन बना दिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना तो भारत के 140 करोड़ लोगों का दिल टूट गया। साथ ही 11 खिलाड़ी जो मैदान में भारत के लिए लड़ रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। चाहे वो मोहम्मद शमी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर कोच राहुल द्रविड़ हो, हर कोई हार के बाद बेहद भावुक था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत ड्रेसिंग रूम पहुंचे और टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की। रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए उन्होंने कहा कि आप मुस्कुराइए क्योंकि 140 करोड़ लोग आपको ही देख रहे हैं। इस दौरान वो हर एक खिलाड़ी के पास गए और उनसे मुलाकात की और इसी वक्त उन्होंने मोहम्मद शमी को गले भी लगाया। मोहम्मद शमी ने अब इसके बाद बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने हार के बाद हम सबको मोटिवेट किया था। सुनिए शमी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहने वाली? देखिए, बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये बयान मोहम्मद शमी ने अपने गृह जनपद अमरोहा से दी है। दरअसल वर्ल्ड कप हार के बाद मोहम्मद शमी अमरोहा पहुंचे तो वहां पर उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सब ने उनकी तारीफ की और इस दौरान मीडिया भी मोहम्मद शमी के पास पहुंचा क्योंकि तमाम तरीके की बातें मोहम्मद शमी को लेकर पाकिस्तान करता रहा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की तो मीडिया ने इस पर उनका बयान लेना चाहा। अब जब मीडिया ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा था, किस तरीके से हौसला अफजाई किया था, तो इस पर मोहम्मद शमी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हार मिली हो और देश के प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हों तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ खड़े होना हम सबको मोटिवेट कर रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की शख्सियत है। वो हारे हुए के साथ भी खड़े हैं और जीते हुए के साथ तो वो हमेशा से खड़े ही रहे हैं और उन्हें ये बात पता थी कि अगर टीम इंडिया हारी है तो उनसे मिलना देश के प्रधान सेवक का कर्तव्य है और हर एक खिलाड़ी को उन्होंने मोटिवेट किया। इसीलिए मोहम्मद शमी अब भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तारीफ कर रहे हैं और बयान देते हुए कह रहे हैं कि मोदी शानदार थे और उन्होंने हम सबका हौसला अफजाई किया। साथ ही वो वीडियो देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार के बाद ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया था, जिसकी तारीफ अब मोहम्मद शमी खुद कर रहे हैं। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लू को सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं, अरे आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो है इसने थोड़ू 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 तो घर से आ। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है।
थैंक यू। चलिए होता है होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए, और जब आप लोग फ्री होंगे कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको।